आज हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में, अ मैन विथ नियरली नो हिटर्स। इन्हें कौन नहीं जानता। आजकल तो हर नए एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। ये अभी टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि वो इतना पैसा कमाने के बाद इंडिया में सबसे अमीर क्यों नहीं है और उन्होंने शादी क्यों नहीं की। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, एयर इंडिया अब टाटा कंपनी की होने वाली है। जब ये न्यूज़ हमारे सामने आई तो हमें खुशी हुई और हमें एक उम्मीद मिली कि शायद अब एयर इंडिया डेवलप होगी। आप में से शायद ही किसी को पता हो कि एयर इंडिया पहले टाटा एयरलाइंस की थी, जिसे GRD टाटा ने बहुत सपनों के साथ स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उसे टाटा से छीन लिया गया। मगर क्यों? ये कहानी शुरू होती है JRD टाटा के सपने से। उन्होंने सपना देखा था कि इंडिया को अब आसमां में ले जाना है। JRD टाटा भी पायलट थे। इस एयरलाइन की पहली कमर्शियल फ्लाइट भी उन्होंने कराची से मुंबई तक उड़ाई थी। भारत आज़ादी से पहले ही एक ऐसा देश बन चुका था जो अपनी खुद की एयरलाइंस ऑपरेट कर रहा था, और दुनिया के जाने माने एयरवेज जैसे थाई एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइंस की शुरुआत एयर इंडिया को इंस्पिरेशन मानकर की गई थी, और टाटा एयरलाइंस अपना ऊंचा नाम बना रही थी। मगर फिर 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम एयर इंडिया रख दिया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने सभी विमानी इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर दिया था, यानी रातों रात सभी प्राइवेट एयरलाइंस इलीगल हो गई थी और उन्हें अपनी एयरलाइंस सरकार को देना पड़ी, और सभी गवर्नमेंट बिजनेसेस की तरह इसमें भी करप्शन चालू हो गया। 2004 में जब एयर इंडिया लॉस में चल रही थी और उसकी कीमत सिर्फ 7,000 करोड़ थी, उसने 111 प्लेन 50,000 करोड़ के खरीदने का फैसला किया। जो कंपनी पहले ही लॉस में थी, अब इतना बड़ा लोन लेने के बाद इसका और लॉस में जाना तो निश्चित था। ये लोन हो गया था 60,000 करोड़ का, यानी अब कंपनी थी 60,000 करोड़ के लोन में। अब इस लोन को भरना था हमें, यानी टैक्स पेयर को और गवर्नमेंट को, मगर इतना बड़ा लोन भरना नामुमकिन सा हो गया था, इसलिए इस कंपनी को प्राइवेट करने का फैसला किया गया। और सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि इस उसी फैमिली के वंश यानी टाटा सन्स ने खरीदने का फैसला किया, और कंपनी के साथ साथ रतन टाटा जी ने गवर्नमेंट का 60,000 करोड़ का डेब भी अपने सर ले लिया। उम्मीद है कि एयर इंडिया अब उसका उड़ान का ताज वापस लेगी और वो थोड़ी डेवलप होगी। आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर टू, क्यों रतन टाटा जी ने शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी से पूछा गया कि आपने क्या शादी की है, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। क्या लगता है, क्या उन्हें कभी जीवन साथी नहीं मिला? आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा जी को उनकी जवानी में प्यार हुआ था। उन्होंने जिससे प्यार किया था वो लड़की अमेरिका के लॉस एंजेलिस से थी, और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले नहीं माने क्योंकि वो अपनी लड़की को इंडिया में नहीं भेजना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने लड़की की शादी कहीं और करवा दी, लेकिन रतन टाटा जी ने प्यार और शादी का वादा किया था, और उन्होंने इस वादे को पूरी उम्र निभाया और कभी किसी से शादी नहीं करी। ये थी उनकी प्रेम कहानी, उन्हीं की तरह परिपक्व। नंबर थ्री, क्यों रतन टाटा जी इंडिया में सबसे ज़्यादा अमीर नहीं है। रतन टाटा जी की टाटा कंपनी इंडिया की सबसे ज़्यादा पैसा बनाने वाली कंपनी है, मगर वो सबसे अमीर नहीं है, वो तो अंबानी है। इस पर रतन टाटा जी का कहना है कि वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और मुकेश अंबानी जी एक बिजनेसमैन है। अंबानी चाहते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली सुपर पावर देश बने, मगर रतन टाटा जी चाहते हैं कि ये देश इंडिया खुशहाल नेशन बने और पॉवर्टी से बाहर आए, और उनके इसी सपने को पूरा करने वो अपनी कंपनी का 66% तक प्रॉफिट चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसे भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आपकी कमेंट्स का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो।